महानगर के जोड़ासांको क्षेत्र में भी विधानसभा की त्रिकोणीय लड़ाई में संयुक्त मोर्चा के कांग्रेस उम्मीदवार अजमल खान का मनोबल काफी सकारात्मक देखने को मिल रहा है और टीएमसी और बीजेपी के उम्मीदवारों को अजमल खान जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं। आपको बता दें कि अजमल खान जोड़ासांको क्षेत्र से संयुक्त मोर्चा के कैंडिडेट हैं। उनका कहना है कि उन्हें जनता पर पूरा विश्वास है और जोड़ासांको की जनता इस बार उन्हें ही जिताकर विधानसभा भेजेगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि हम जमीनी स्तर के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। सड़कों पर पानी जमा हो जाता है, मजदूरों का शोषण हो रहा है, हम उनके हक की लड़ाई लड़ेंगे। दाढ़ी से कहो तो पूरा का पूरा सहयोग मिला, जो एक सही में आने में एक सहयोगी का रोल होता है अपने साथी के साथ। मुझे मेरे विधानसभा में पूरा सहयोग मिल रहा है, यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेतागण हैं, जो सीनियर हैं वो गाइड कर रहे हैं, जो सहकर्मी हैं कंधे से कंधा मिलाकर मेरी इस लड़ाई में मेरा साथ दे रहे हैं। अभी से कुछ देर पहले मोहम्मद सलीम और प्रदीप भट्टाचार्य जैसे सीनियर मोस्ट लीडर आपके मंच में आपके लिए आए थे, क्या लगता है इनके आने से कितना मनोबल आपका बढ़ा? मोहम्मद सलीम साहब हमारे लिए दो मीटिंग किए हैं मेरे विधानसभा में, और कल विकास रंजन भट्टाचार्य जी की मीटिंग है 27 नंबर वार्ड में। तो सारे सीनियर लीडर हमको टाइम भी दे रहे हैं, उनका आशीर्वाद भी दे रहे हैं, गाइड भी कर रहे हैं, जहाँ जहाँ कमी रह रही है वो बता रहे हैं कि किस तरह से पूरा करना है। और वो मेरे ऊर्जा से वो तमाम लोग खुश हैं कि जिस तरह से लोगों का रिस्पांस मिल रहा है, मैं लोगों के पास जा रहा हूँ, लोगों का आशीर्वाद ले रहा हूँ, वो लोग इस बात से खुश भी हैं और गाइड भी मुझे कर रहे हैं। मुद्दे क्या है इस बार आपके लिए? देखिए, राज्य की तरक्की भाईचारा को कायम रखने के लिए और तरक्की को कायम रखने के लिए ये चुनाव है। यह फासिस्ट ताकतों को रोकना है, सांप्रदायिक दलों को रोकना है, दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी राज्य सरकार को रोकना है। इन दो शक्तियों से लड़ने के लिए ही आज, चाहे वो बाय महाज हो, ISF हो, कांग्रेस है, ये तीनों दलों ने इतिहाद किया है इन दो शक्तियों के सामने लड़ाई लड़ने के लिए। मुद्दा बेरोजगारी है, बढ़ता हुआ महंगाई है, भ्रष्टाचार है, चारों तरफ जो ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है, युवा वर्ग उसको नकार रहा है, उसके खिलाफ मैं मजबूती से उनके साथ आवाम का सहयोग मिला, मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, 10 साल सत्तारूढ़ दल एक ही चिन्ह पे लोगों ने 10 साल आशीर्वाद समर्थन दिया था, आज सिर्फ मुखौटा बदला हुआ है, प्रतीक वही है। 10 साल इलाके का जो हालात थे वो बद से बदतर हो गए हैं। कोई आदमी आपको एक बात भी नहीं बोल सकता है कि उसको जनप्रतिनिधि से समस्या है क्या है यहाँ के लोगों का? समस्या मैंने पहले भी आपको कहा था, आज भी फिर दोहरा रहा हूँ। देखिए, ये व्यवसायी वर्ग इलाका है, यहाँ रेसिडेंस बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ से शिफ्ट कर गए हैं, मछुआ फल मंडी है, मेहनत कश लोअर मिडिल क्लास लोगों की आबादी है, मजदूर वर्ग की आबादी है, उन लोगों को बोनस नहीं मिल रहा मछुआ फल मंडी के अंदर में, उनके हक की भी लड़ाई लड़ी जानी है। ट्रैफिक जाम है, वाटर लॉगिंग है, उर्दू को स्कूल्स को मैं प्राइमरी लेवल स्कूल की मिडिल लेवल मिडिल क्लास जो मिडिल स्कूल है उसको खुलवाने की बात कर रहा हूँ। उर्दू को सही माने में दूसरी सरकारी जबान का दर्जा मिलना चाहिए, जो 10 साल पहले ममता बंदोपाध्याय ने वादा किया था, अभी तक अमली जामा नहीं पहना है। मैं इसके खिलाफ हमेशा लड़ा हूँ और आइंदा इस चीज़ को लागू करवाने के लिए उर्दू ज़बान को, प्राइमरी लेवल ड्रॉप आउट बहुत है, बेरोज़गारी बहुत है, इन तमाम इश्यूज़ को लेके मैं आने वाले दिनों में इनके लिए फ्लाई के लिए लड़ता रहूँगा। अजमल साहब, जोड़ासांको में 35% वोटर यंगस्टर्स है, उनसे कैसा सपोर्ट मिल रहा है? देखिए, लोग कह रहे हैं कि थकाऊ उम्मीदवार नहीं चाहिए, एक तरफ थकाऊ है, एक तरफ ऊर्जावान उम्मीदवार है। जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है, लोग हमको अपने भाई के रूप में देख रहे हैं, अपने साथी के रूप में देख रहे हैं। लोग अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर में बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो जिनके बॉडी लेवल जो उनका एक्टिविटी है उससे मुझे समझ में आ रहा है कि आने वाले दिनों में ना सिर्फ आवाम बल्कि दूसरे दल के कार्यकर्ता भी मेरा साथ देंगे। टीएमसी की ओर से बार बार बोला जा रहा है कि जब लॉकडाउन था तो आप तो यहाँ कभी यहाँ के लोगों की समस्या, ये भूल है। आपको अगर मेरे फेसबुक प्रोफाइल में आप जाके देखिएगा
सिर्फ कलकत्ता में नहीं, कलकत्ता के आसपास जिलों में, चाहे वो साउथ 24 परगना का हो, चाहे नॉर्थ 24 परगना का जिला हो, चाहे कलकत्ता के अंदर में हो, मैंने अपनी हैसियत से भी बढ़कर, चाहे वो अम्फान का मामला हो, चाहे वो लॉकडाउन का पीरियड रहा हो, मैंने हमेशा लोगों की लड़ाई लड़ी है। 22 साल से मैं एक नेता नहीं, कार्यकर्ता रहा हूँ। आज पार्टी ने कार्यकर्ता को मौका दिया है, और आप कांग्रेसी लोगों से आप मत पूछिए, आप मेरे प्रोफाइल में जाइए, चेक कीजिए मैंने कहाँ काम किया। एयर कंडीशन में बैठ के मैं टेलीविज़न पर बाइट नहीं दे रहा हूँ। रास्ते पे लड़ने वाला, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के बढ़ोतरी बिल के ऊपर जो बढ़ोतरी है उसके खिलाफ़ लड़ाई हो, चाहे सरकार की दुर्नीतियों के खिलाफ लड़ाई हो, शारदा नारदा के खिलाफ में लड़ाई हो, जब जब सरकार की दुर्नीतियाँ सामने आई है उसके खिलाफ हमने तहरीक लड़ी है। बीजेपी से या टीएमसी से? बीजेपी के दो कैंडिडेट है जोड़ा सकू हल्के के अंदर में, एक डायरेक्ट है एक इनडायरेक्ट है। खुद तृणमूल सुप्रीमो कह रही है कि 200 से अगर कम उनको सीट आ रहा है तो हमारे लोगों को भाजपा वाले तोड़ देंगे, ये गारंटी। बोलना चाह रहे तृणमूल कांग्रेस के जो प्रत्याशी, मैं उनको कह रहा हूँ, गुप्ता को बोलना चाह रहे जो तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी है, मैं उन्हीं को बोल रहा हूँ। देखिए ऑलरेडी फ्रेंड रिक्वेस्ट उनको भेज दिया गया है ईडी के बाद। मेरे राजनीतिक जीवन में या व्यक्तिगत जीवन में कोई न किसी जगह का, न ईडी का, न सीबीआई का संबंध नहीं आया। फ्रेंड रिक्वेस्ट आया, आप देखते जाइए, सिर्फ विवेक गुप्ता ही नहीं, बहुत सारे तृणमूल कांग्रेस के जो जनप्रतिनिधि हैं, ये 2 तारीख को 2 बजे के बाद भगवा झंडा पकड़ेंगे। आपने आप पूछ रहे हैं ना कि कैसे आप बोल रहे हैं, ममता बनर्जी के बाद कौन था तृणमूल कांग्रेस में? शुभेंदु अधिकारी, राजीव बनर्जी, रथिन चक्रवर्ती मेयर हावड़ा म्युनिसिपल के, इन तमाम आज 40-50 लोग जो जनप्रतिनिधि थे तृणमूल कांग्रेस के, एक के बाद एक भाजपा ज्वाइन करने का काम किया। आप इलेक्शन के बाद देखिएगा, ये पूरा ट्रेलर था, पूरा पिक्चर बाकी है, आने वाले दिनों में लाइन लग जाएगा, तृणमूल कांग्रेस खत्म हो जाएगा पश्चिम बंगाल से। ये बताएं कि आप लोग का जो संयुक्त मोर्चा है, कितना सीटें मिलने का आप लोग को उम्मीद है? हम लोग सरकार गठन करने जा रहे हैं, सीट के ऊपर नहीं, 148 से ज़्यादा सीट संयुक्त मोर्चा के तीनों सहयोगी दलों को आ रहा है। ये मैं पूरे विश्वास के साथ, बंगाल के आवाम का जो समर्थन, जो आशीर्वाद, जो दुआएं मिल रही है, इसके ऊपर में मैं बोल रहा हूँ। जोड़ा साहब वोटरों से आप क्या कहेंगे? आप एक मौका दें, ताकि आपने 10 साल एक सत्तारूढ़ दल के लोगों को देखा है, 8 साल से केंद्र शासित भाजपा को आपने देखा है, एक नौजवान को मौका दें, मैं आपके साथ आपकी फ्लाई के लिए लड़ता रहूँगा। आपका आशीर्वाद रहा तो मैं नेता नहीं, आपका भाई, आपका बेटा बन के रहूँगा। आपकी एक पुकार पे मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आपकी लड़ाई लड़ूँगा। भ्रष्टाचार, बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, ध्रुवीकरण की राजनीति को नकार के इस नौजवान को एक मौका दें।